अच्छा, अगर साधन नहीं मिलता है तो क्या लगातार पैदल जाओगे आप? तो क्या करें साहब, पैदल ही जाना पड़ेगा ना। अब कोई साधन नहीं मिलेगा तो घर तो पहुंचना है कैसे भी करके। तो आप कैसे जाओगे आप आगरा तक? अब अभी जो मिलेगा साधन तो चले जाएंगे, पैदल पैदल तो जाएंगे। कोरोना के कहर के बाद पूरे देश में लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं और चारों तरफ स्थितियां ये है कि हर प्रकार का आवागमन बंद कर दिया गया है, चाहे रोडवेज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो। लेकिन कुछ जगह पर हालात ऐसे भी हैं कि दूसरे राज्यों से बात करें, अगर हम राजधानी जयपुर की, तो दूसरे राज्यों से लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, फिर उन्हें चाहे कोई साधन मिला हो या ना मिला हो और वो पैदल ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ लोग गुजरात से राजस्थान की ओर किया है, जो ये बता रहे हैं कि वो किसी ट्रक के जरिए या सब्जी के ट्रकों के जरिए वो यहाँ तक जयपुर की सीमा तक पहुँचे और उसके बाद में उनका जो मंजिल है वो है यूपी का आगरा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से परेशानियों का कहर ये झेल रहे हैं, उसके लिए प्रशासन को भी जाहिर सी तौर पर आगे आना चाहिए। हालांकि सुविधाओं का आलम पूरी तरह बरकरार है, चाहे पुलिस की ओर से हो, चाहे प्रशासन की ओर से हो, और जितने भी लोग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर तरह के लोग, कोई इन्हें खाना दे रहा है और कोई इन्हें पानी दे रहा है, हर तरीके के लोग हैं जो अपनी लंबी दूरी तय करके और यहाँ पर पहुँचे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो आप? अहमदाबाद। अहमदाबाद से? तो कब से चले हो? कल चले थे, कल सुबह में। कैसे चले? वहाँ से कटारा वटारा में बैठ के आए थे। अच्छा, तो वहाँ तो यहाँ पे छोड़ दिया था। कहाँ के, कहाँ जाना है आपको? करौली जाना था। तो वहाँ कब से हो? अहमदाबाद? अहमदाबाद तो हम वहीं काम कर से शुरू से, आज 8-9 साल हो गए वहीं पे रहते। अच्छा, तो आप क्या वहाँ से हटा दिया? नहीं, हटाया नहीं है, लेकिन ऐसा ही आ गए हम। नहीं, वहाँ से क्या बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया। नहीं, वो बंद कर दिया ना, वहाँ काम वाम कुछ नहीं, वो सब बंद कर दिया। अच्छा, कितने लोग चले वहाँ से? वहाँ से करीबन 25-30 लोग चले अभी हम। सारे लोग बसों से पहुंचे? हाँ, बसों से खटारा बटारा जो मिल गया उसमें बैठ के आ गए। तो उन्होंने पैसा वगैरह लिया? हाँ, पैसा लिया है ना, किराया लिया है ना, सब किराया लिया है, यहाँ तक 200-300-400 जितना वो सब लिया है। तो आप कैसे जाओगे आप आगरा तक? अब अभी जो मिलेगा साधन तो चले जाएंगे, पैदल पैदल तो जाएंगे। पैदल जाओगे जी? अच्छा, और खाने पाने के हालात क्या मिले आपको? बीच में खाना वाना मिला? मिला। खाना और पानी मिला आपको? मिला। बाकी कोई और तकलीफ? नहीं, कुछ नहीं, बस यही साधन की तकलीफ है, और कुछ तकलीफ। अच्छा, अगर साधन नहीं मिलता है तो क्या लगातार पैदल जाओगे आप? क्या करें साहब, पैदल ही जाना पड़ेगा ना। अब कोई साधन नहीं मिलेगा तो घर तो पहुँचना है कैसे भी करके, क्योंकि वैसे भी अब मतलब जो कर्फ्यू लगा दिया तो जाना ही तो पड़ेगा, क्या करें। कोई मिलेगा तो ठीक है, गेल में नहीं मिलेगा तो फिर पैदल पैदल चलेंगे। अहमदाबाद से आ रहे हैं? वही नौकरी करते हो? भाई नौकरी करते हैं। तो वहाँ से क्या हटाया या कैसे? नहीं साहब, वैसे बोल रहे थे बंद कर दिया, फिर अब बोले कि हर महीने का मतलब राशन पानी दिया जाएगा। अभी राशन पानी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि हमारा कोई वहाँ पहचान पत्र या आईडी कोई या राशन कार्ड कोई है नहीं, मतलब अपने राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। तो इसलिए हमने सोचा मैं कि जो भी है देखी जाएगी, परेशानी जो भी होगी तो अपने गाँव में जाके, अपने गाँव में खेती तो है तो उससे पेट तो भरेंगे। अभी गुजरात में कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए हम वहाँ से चल दिए। तो कितने लोग वहाँ से चले हैं और कितने लोग आप लोग साथ रहते थे वहाँ? करीब समझो तुम वहाँ से गुजरात से लगभग 500-600 आदमी निकल गए हैं। अच्छा। दो दिन में पाँच, अभी और भी आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं और कल भी निकलेंगे, और पैदल चल रहे हैं सब। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं कि प्रशासन किस तरह से और सुविधाएं आपको दे कि आप अपने घरों तक पहुँच सकें? साहब खाली हमारे घर पहुँचना, बस भान द्वारा। साधन कहीं बीच में कुछ मिली सुविधा? नहीं, अपने माधोपुर से, साई माधोपुर से वो मिला, वो खटारा, उसमें आए। अच्छा। गुजरात से तो हमने गाड़ियाँ भेजो उन्हें पुलिस वाले ने। अच्छा। फिर राजस्थान में कोई सुविधा नहीं है, मतलब राजस्थान में कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है, खाली रतनपुर थे और बॉर्डर तक, पर वो तो प्राइवेट बस है, वो थोड़ी है, प्राइवेट बस से आए खाली। तो वाकई एक बड़ा सवाल ये है कि गुजरात से हजारों किलोमीटर दूर से राजस्थान यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, कुछ लोग
बसों के जरिए, कुछ दूसरे साधनों के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन खाना और पानी भी इन्हें मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये अपनी मंजिल तक पैदल पैदल कितना लंबा चल पाएंगे। और सुविधाओं के नाम पर, जैसा कि गुजरात में सुविधाएं दी जा रही हैं, राजस्थान के कुछ इलाकों में सुविधाएं दी जा रही हैं, जरूरी ये भी हो चुका है कि राजस्थान से भी ऐसे लोगों को सुविधाएं मिल जाए कि ये लोग आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और वाकई कोरोना को लेकर, जो संक्रमण को लेकर जो दूरी और जो एहतियात बरतना ज़रूरी है, वहाँ भी ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन अगर इन हालातों को अगर हम देखें, जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्रशासन की जो गुहार है, सरकार का जो निर्देश है, वहाँ पर वाकई कई सवाल ज़रूर खड़े हो जाते हैं कि फिर इस महामारी से कैसे बचा जा सकेगा। बहरहाल जितने भी लोगों से हमने बातचीत की और जो तस्वीरें देखी, लोगों में समझदारी भी है, लोगों में भावना भी है, और वो इस चीज़ को जाहिर तौर पर समझते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से चलना है, कहाँ रुकना है, कितनी दूरी बनानी है। लेकिन मजबूर हालातों के जरिए ही इस तरह की तस्वीरें तैयार हो रही हैं। कैमरामैन हरीश शंकर त्यागी के साथ प्रदीप आजाद, जयपुर।